एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आपके पास सिम कार्ड जियो का है, आपके पास सिम कार्ड वोडाफोन आइडिया वीआई जो अब कंबाइन हो चुका है, आपके पास सिम कार्ड एयरटेल का है या आपके पास सिम कार्ड बीएसएनएल का है, आप सभी के लिए बड़ा झटका, सभी देशवासियों के लिए बड़ा झटका। साथियों 17% आपका जो रिचार्ज है वो बढ़ा दिया गया है, बड़ा झटका यो रिचार्ज को लेकर जो है दिया गया। अधिसूचना इसका दर जारी कर दिया गया, अब ये लागू इस तारीख से आपका ये लागू होगा। पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा और संवाद करेंगे। कोई भी कंपनी होता है शुरुआत में लोक लुभावने लालच देता है, आपने देखा होगा जियो जब आया जियो ने क्या किया, जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया। कितने दिन दिया आपने देखा होगा, लगभग तकरीबन 1.5 साल जियो सिम कार्ड से फ्री में इंटरनेट चला, फ्री में कॉलिंग हुई, सब कुछ फ्री में हुआ। धीरे धीरे क्या किया जियो ने 149 का रिचार्ज ले आया, 149 का रिचार्ज आया जियो का। ठीक है, मैं जियो का ही एग्जांपल आपको दे रहा हूं। साथियों जियो का 149 आया, 149 जब लोगों में घर घर जियो का सिम कार्ड हो गया, इतने तक तो उन्होंने दिया फ्री फ्री, 149 का आ गया, फिर मजबूरी में लोगों को 149 करवाना पड़ा, फिर 199 आ गया। अब रिचार्ज जिसका सिम कार्ड है नंबर से दूर दूर तक जा चुका है, इसके बिना कुछ संभव नहीं है आज के दौर में, तो फिर 199 करवाना पड़ा। ये 1.5 GB वाला प्लान का मैं आपको बता रहा हूं, पॉपुलर जो प्लान है। अब कितने का कर दिया 239 का हो रहा है आजकल जो है, लगभग कई महीनों से एक साल करीब करीब हो गया, अब 239 का हो रहा है 199 वाला रिचार्ज। अब भाई 239 वाला वो भी महंगा हो गया, एयरटेल का भी महंगा हो गया, 17% जो है रिचार्ज आपका महंगा हो गया। कौन सा रिचार्ज कितना महंगा हुआ है पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे और तथ्यात्मक वीडियो बनाते हैं। आप ऐसा नहीं हेयर बोलर चैनल निकल गए, नहीं भाई, तथ्य दिखाएंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश और नियमों योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत केंद्र में मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे सठीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो नहीं चला योजना का बाहर कब चली गई, ये आदेश का बाहर कब चले गए, इस योजना में बदलाव का बुहार कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और नए नियम हो, आदेश हो, यो बदलाव हो, वो भी हम आपको देने का काम करते हैं, घोषणाएं हो। चैनल सब्सक्राइब कर एक बार फिर हाथ जोड़कर अपील करते हैं, ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भाइयों सभी सिम कार्ड पर यो लागू हो गया, आज की प्रिंटिंग मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया और ये सभी से अमीर गरीब सबसे जुड़ा हुआ ये फैसला है, तो इसलिए इसे आज के अखबार के प्रमुख पहला जो पेज है उस पर इसे वो किया गया। नई दिल्ली आप देख सकते हो साथियों, राजधानी, तो लोकसभा चुनाव के बाद 17% तक महंगा हो जाएगा, हो जाएगा, जाएगा, सकता नहीं है भाई, सकता कि होगा नहीं भाई, हो जाएगा, कर लिया गया फैसला। मोबाइल पर बात करने वो करना भाई, जो आपका 100 रुपए का रिचार्ज है वो आपका 117 रुपए का हो जाएगा, यानी 17%, चाहे आपके पास सिम कार्ड जियो का है, चाहे आपके पास एयरटेल का है, चाहे जो आपके पास वीआई का है, चाहे आपके पास बीएसएनएल का है, 17%। जो रिचार्ज 100 का होता है उसके लिए आपको 117 रुपए देना पड़ेगा। यह लागू होगा जून के बाद, 7 जून को जो आचार संहिता हटेगा, 4 जून को परिणाम आ जाएगा, परिणाम के बाद 7 जून को आचार संहिता हट जाएगा, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। भाई जो 700 रुपए का प्लान है रिचार्ज, अगर 700 रुपए का है तो वो कितने का हो जाएगा, 819 रुपए का, 819 रुपए का। 700 का जब आप 17% निकालोगे, 700 का जब आप 17% निकालोगे, ये परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, 00 से 00 का 17 17 119, तो 700 का 17% कितना हो गया, 119। पहले 700 का होता था, अब 119 और जोड़ लो तो कितना हो गया भाई, 819 रुपए हो गया। ठीक है, अब जो पॉपुलर प्लान है 239 वाला, अगर हम इसका 17% निकालें तो भाई अब इसका जो है इस तरह आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब यह है 17 दुनी 34 और 640, लगभग ये जो रिचार्ज आपको पड़ेगा 279 रुपए का जाकर पड़ेगा, जो आजकल आपका 239 में जियो का 1.5 GB पर डे का रिचार्ज है वो आपको 279 रुपए का पड़ेगा। तो साथियों ये सारे के सारे रिचार्ज आपके महंगे कर दिए गए हैं और जून के बाद आचार संहिता 7 जून का हटने के बाद लगभग संभवतः 11 जून को ये लागू कर दिए जाएंगे, तो ये बड़ा झटका सभी देशवासियों को दिया गया है। 75,000 करोड़ रुपए ये निवेश करेंगे, वो सारा निवेश आपसे लिया जाएगा। आप देखिए टोल टैक्स का 1 अप्रैल से बढ़ाया गया, इसी महीने से टोल टैक्स बढ़ा दिया गया सभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो टोल टैक्स, अब ये सोचते हैं गाड़ी जिनके पास नहीं है कि भाई ये सिम कार्ड तो सबके पास होता है, ये तो सबको ही लगेगा। ठीक है साथियों, आप जो ये हैं बहुत से भाई कि भाई जो है हमारा टूल टैक्स में तो गाड़ी वालों को नुकसान, हमको क्या नुकसान, नहीं भाई, गाड़ी
गाड़ी वाले को नहीं होता, गाड़ी वाले को नहीं होता। मान लो गाड़ी वाला जो है एक कोई आइटम ला रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, ठीक है, वो 20,000 रुपये में वो पहुंच कर रहा है दिल्ली से, सपोज दैट दिल्ली से बंगलोर तक वो 20,000 रुपये में पहुंच कर रहा है, सपोज दैट, ठीक है। तो दिल्ली से बंगलोर 20,000 में अगर वो पहुंच कर रहा है, तो जो ये फालतू बढ़ेगा या टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो ये अब तो ये 20,000 में ला रहा है, वो जो टोल बढ़ा है वो इसी में भाड़े में अपना जोड़ देगा। कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी से वसूलेगा गाड़ी वाला, कंपनी क्या करेगी, वो कोल्ड ड्रिंक महंगा कर देगी, उतना कोल्ड ड्रिंक महंगा कर देगी, किसकी जेब से जाएगा, कोल्ड ड्रिंक किसको पीना, आम जनता को पीना है, तो आम जन के खाते उससे जाता है, उसमें इंडायरेक्ट वे से जाता है, इसमें डायरेक्ट ही आपके खाते उससे जाएगा, सीधा ही आपको कराना होता है। तो साथियों ये जो है बड़ा झटका आप सभी को दिया है, उम्मीद है पसंद आएगा, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।